जी हम अब हम अमेठी में खड़े हैं, यहाँ के एक स्थानीय निवासी खड़े हैं, इनसे हम पूछ रहे हैं तो उन्होंने अपना चेहरा सामने लाने से मना कर दिया। जी क्या नाम है आपका? राम प्रकाश दुबे। कहाँ रहते हैं? अमेठी। अमेठी में। सुकन्या को जानते हैं आप? हाँ जी, इनका नाम मैं सुना था और इनके साथ में ये लोग राहुल गांधी उनके दोस्तों ने बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी माँ को जानते हैं आप? जी मैं उनकी माँ को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ जो कि सुकन्या यहाँ पे अमेठी में रहती है और इनके साथ में ये काफ़ी उनके नाम उछले हुए हैं कि इनके साथ जो ऐसे ये लोग बहुत गलत किए हैं। अच्छा, कितने लोग थे राहुल गांधी के साथ बलात्कार में? सर 10-12 आदमी थे इनके साथ में। 10-12, ये आपने सुनी है, ये खबर फैली है अमेठी में? हाँ सर, पूरी अमेठी में फैली हुई है सर। तब आप राहुल गांधी के बारे में क्या, अब कैसी इमेज है आपके दिमाग में? नहीं नहीं, ये उनके बारे में इस तरह की जो मैं उनके बारे में जो सुना हूँ उनके से, तो मेरे को बहुत ही गलत उनके प्रति भावना है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। पहले नहीं था ऐसा? नहीं, पहले ऐसा नहीं था। अब उनसे तो हमें काफी घृणा हो रही है ऐसे ऐसे आदमी से। तो क्या आप चाहेंगे कि राहुल गांधी को इस में सजा हो? हाँ जी, ये क्यों नहीं चाहेंगे हम? तो आप सामने क्यों नहीं आना चाह रहे? कैसे सजा होगी? सजा तो उनको जो भारी से भारी सजा हो तो उनको मिलना ही चाहिए। जब तक आप अपना चेहरा सामने नहीं लाएंगे तो सजा कैसे होगी? नहीं, हमें अपनी जान भी प्यारी है ना। क्यों? अगर हम उनके बारे में अगर हम खुल के सामने आते अपने चेहरे लाते हैं तो हम तो हमें धमकी मिली हुई है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर रह के अगर उनके खिलाफ अगर बगावत करते हैं हम लोग अपने जान से धो बैठेंगे, जान धो बैठेंगे। यानी अभी भी आपको कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का खौफ है मन में? हाँ, बहुत ज़्यादा। आप सामने नहीं आ सकते? जी नहीं। ऐसे अमेठी में कई लोग हैं जो अपना चेहरा सामने नहीं लाना चाहते? ऐसे तो बहुत ही लोग हैं सर, मानिए तो सारे लोग ही ऐसे हैं जो कि इस तरह के मामले में आने नहीं चाहते हैं सामने, लेकिन एक दीवार के पीछे से हर कोई का यही है कि उनकी सजा होना चाहिए उनको। तो दीवार के पीछे से सजा थोड़ी होगी? नहीं, अभी तो हमारे जो ऐसे मीडिया वाले ने हमें तो मीडिया वाले ने इस तरह से हैं जो कि आज के हम दीवार के पीछे भी रहे फिर भी उनको सजा हो सकती है। ठीक है ठीक है, हम इस पर संघर्ष करेंगे, उनका चेहरा सामने जल्दी लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।